इस तावड़ी में भाई निंजा लेके निकला, बावड़ी झलर हो गया है क्या? आज का पूरा दिन मस्त सोने में निकला है। Hey guys, welcome back to my channel. और अभी मैं आ गया हूँ फाइनली मालू नगर, क्योंकि मॉर्निंग से कुछ नहीं किया है। मॉर्निंग से मस्त मैं मस्त सो रहा था, कुछ खा रहा था, पी रहा था, जैसे कुछ कर रहा था, बस मस्ती कर रहा था फुल ऑन। और क्योंकि मैं घर चला गया था घर से, उसके बाद से आके अब जस्ट आया, फिर मैं कुछ ऐसे नहा धो के आया, तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा नींद आने लगा, तो मैं आधा पौन घंटा सो गया था। अभी जस्ट तो मैं चलो अब बीवी से मिलने आ गए। संडे का ही प्लान बनता है पागल, इसीलिए संडे को बाहर से सनराइज कितना अच्छा लग रहा है यार, ये देख कितना मस्त लगता है ऐसे पूरा, देखो कितना आप हमारे सनसेट के बीच में आ रहे हो। जाओ उठाओ उठाओ जल्दी हटाओ जल्दी हटाओ, अंकल नहीं हटाएंगे, अंकल हटाएंगे बोले सनराइज को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, मैं नहीं जा रहा इसको मैं छोड़ के, तुम लोग देख लोगे तो आदमियों को कर लो वही काफी। तो अभी हम निकले गेड़ी मारने, पता नहीं कहाँ जाएंगे हमें ये नहीं पता, पर हम जाएंगे जरूर। ठीक है, नया प्लेस मिला है सांबरसा, व्हाट इज दिस सांबरसा, चलो खाकड़ा कुकड़ी। ये क्या है, है क्या चीज़? ओके रसम, हाँ ये रसम का साउथ इंडियन वाला कुछ सुनते रहते। चीयर्स। हाँ अच्छा है लेकिन यार, इन लोगों ने भाई कॉम्प्लीमेंट्री रसम और ये पापड़ है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है यहाँ पर, सही। और बीवी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ों के नाम सुनते ही ना तबाह के देख लेती है इसीलिए। प्लेस इज गुड यार, काफ़ी हमारा डोसा आ गया यार, सही है। इसमें चटनियाँ चार तरीके की, तीन तरीके की चटनी एक रसम। चलो इंजॉय। मेरी इडली सांभर में तो मज़ा आ गया भाई, बहुत सही टेस्ट तो बहुत सही था। हम लोगों ने जब लास्ट टाइम हम लोग केरला ट्रिप किया था तो वहाँ पे जैसा खाना था वैसा मुझे लगा इसका पूरा टेस्ट। इडली और उसका तो लाजवाब रहता है यार, इन लोगों का जो सांभर बनाने का तरीका ना पता नहीं क्या बनाते हैं कैसे बनाते हैं, घर पे नहीं उतना ट्राई होता। हमारे नॉर्थ साइड में तो जो खाने में था जो खटास उस तरीके की हम लोग बनाते हैं ना वो अलग ही होती है। तो मस्त है इसका डोसा, मतलब चटनी भाई सब चटनी वटनी मस्त, तो शानदार मस्त। जिसको बोलते हैं ना कि मस्ट विजिट प्लेस है, अगर आप लोग साउथ इंडियन खाना चाह रहे हो तो इधर आओ मस्त। ये पास में ही है जयपुर के पास पे, दैनिक भास्कर का ऑफिस है ओटीएस चौराहे के पास वहीं पे। तो भाई ये है जगह काफ़ी अच्छी, इस कॉफ़ी कल्चर के कॉफ़ी कार्टेल। आजकल कॉफ़ी को लेकर बहुत सारी चीज़ें खुल गई है, कॉफ़ी कार्टेल, कॉफ़ी कल्चर, कॉफ़ी क्रेजी क्रेजी कॉफी। बाबा रे इतनी टाइप की कॉफी कैसे काम चलेगा यार, एक ही तरीके की होती है यार, इतने ना हॉट कॉफी उसमें फिर कुछ चोको मिला देते किसी में कुछ। पर भाई इस जगह आने का वर्थ इट है, इसका इडली बहुत सॉफ्ट थी, बहुत सही जिसको बोलते हैं ना, मुझे तो काफी अच्छी लगी और डोसा भी बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को साउथ इंडियन का खाने का मन है तो आओ, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी डाल दूंगा मैं इसका, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट हम लोग खाने के लिए भटके थे तो इसलिए अच्छा लगा, नई जगह ट्राई की हमने नया कुछ ट्राई किया तो हम लोग इसलिए। चलो आप लोगों को बताना बनता है ना ऐसी चीजें, आप भी लोग जाएंगे खाएंगे कुछ अच्छा, हो सकता है आपको फिर याद, अगर अच्छा लगेगा तो आप हमें याद करेंगे। चलो अब यहाँ से चलते हैं, मैडम को क्या खाना है, मैडम को सॉफ्टी खानी है, वहाँ चलते हैं पहले। बिल्ली मौसी तुम्हें मेरी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, चलो हट जाओ, ऐसे नहीं चलेगा। तो यार अब हम घर आ गए हैं और अभी हो गया ओए अंधेरा हो गया है तो पहले तो अभी हो गया ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। अब यह होता है सोने का टाइम क्योंकि सवेरे ऑफिस जाना है, उठ के भाई क्या मैं सो रखी है यार। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, छोटा सा स्वीट सा वीडियो था,
जस्ट रेंडमली जस्ट थोड़ा सा वॉक वगैरह ऐसा, चौर कोई खास वैसा नहीं था, कुछ प्लानिंग भी नहीं था, जस्ट रेंडमली हम लोग मैं चला गया। तो आई होप आपको पसंद आएगा। प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, और अगर आपको मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।